तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, पॉसिबल इलेवन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैच फिर वीडियो आपके लिए लाए हैं फ्रेंड्स, पीबीसीसी वर्सेस केएसकेएस के बीच में जो मैच खेला जाएगा ढाका टी20 का, उसका फ्रेंड्स काफ़ी बज में रही है ये लीग। अभी तक काफ़ी मज़ेदार रहा है, कुछ लड़ाइयाँ देखने को मिली है, अच्छे परफॉर्मेंस भी देखने को मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा बज में कंटिन्यूसली ये कवरेज में आ ही रही है। तो इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स। इस मैच में वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि पॉसिबल इलेवन एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल किए फ्रेंड्स विद रेफरल कोड कैपिटल वाई कैपिटल टी, लिंक दे दिया गया फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो पीबीसीसी वर्सेस केएसकेएस के बीच में यह मैच खेला जाएगा फ्रेंड्स। मैच वीडियो की बात की जाए तो प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब वर्सेस खेल नगर समाज कल्याण समिति के बीच में मैच खेला जाएगा। 61st मैच है फ्रेंड्स ढाका प्रीमियर लीग का, श्रेय बांगरा नेशनल स्टेडियम मैच खेला जाएगा फ्रेंड्स थर्सडे को। तो हम बात कर देंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम फ्रेंड्स दोनों की पॉसिबल स्टार्टिंग प्लेइंग 11 से। तो पीबीसीसी की बात की है तो तमिम इकबाल बड़े बड़े प्लेयर्स हैं फ्रेंड्स लीग में भी। तमिम इकबाल आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे विद अनामुल हक जो कि इस टीम के कप्तान, स्कीपर बैट्समैन और कीपर भी है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। दैट्स ऑल्सो ग्रेट, अच्छे अच्छे प्लेयर है। देन वी हैव राहुल रोनी तालुकबदार, मोहम्मद मिथुन ही इज ऑल्सो ग्रेट बैट्समैन फ्रेंड, अमित मजुमदार हैं, देन वी हैव नाहिद इस्लाम, आलोक कपाली, मुनूर हुसैन, नईम हसन एंड रुबल हुसैन एंड शफीफुल इस्लाम। तो अच्छी टीम लग रही है फ्रेंड्स पीबीसीसी की। वहीं केएसकेएस यानी कल्याण समिति की बात की जाती है, दे हैव इम्तियाज हुसैन एज द ओपनर विद द शकीदुर रहमान, जहूरुल इस्लाम जो कि कीपर बैट्समैन है वो इस टीम के कप्तान है, देन वी हैव फहद हसन, सलमान हसनैन, मेहंदी हसन मिराज, मासूम खान, खालिद अहमद, रशद हसनैन, इफरान हसनैन एंड टीपू सुल्तान। तो दोनों को कंपेयर करें तो पीबीसीसी की टीम थोड़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है फ्रेंड्स आपको, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। की प्लेयर्स की बात करूँ तो पीबीसीसी में है तमिम इकबाल, इनामुल हक, मोहम्मद मिथुन एंड रुबल हुसैन, वहीं इधर की बात करूँ तो जस्ट जफीफुल इस्लाम एंड मेहंदी हसन मिराज। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ आपको ये कुछ अपडेट्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ लास्ट 3 हेड टू हेड की बात की, इसमें भी पीबीसीसी आगे है, जैसे मैंने कहा कि वो तगड़ी लग रही है टीम एज पर टीम की बात करें तो। कुछ फैंटेसी टिप्स है फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर, की प्लेयर्स एन वी आर बेस्ट फॉर्म विद पॉइंट एंड रेस, कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन हैं तमिम इकबाल, जहीर इस्लाम, फहद हसनैन एंड मेहंदी हसन मिराज। 8:30 बजे सुबह में ये मैच शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स, शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में मैच खेला जाएगा। एक अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए, रिकॉर्ड बनते रहते हैं यहाँ फ्रेंड्स, और बारिश की थोड़ी सी खलल होती ही रहती है जिससे स्लो हो जाती है थोड़ी पिच, लेकिन कल की बात करें तो फिर भी पानी आने वाली है और थोड़ा वेदर भी क्लीन है, लेकिन बारिश की संभावनाएं थोड़ी थोड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं टीम्स की ओर। तो फ्रेंड्स आपके सामने पॉसिबल उनकी जीएल टीम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिम इकबाल द कैप्टन, मेहंदी हसन मिराज वाइस कैप्टन है इस टीम में, अनिल हक है, जफीफुल इस्लाम है, दोनों टीम के कप्तान हैं, एस रहमान, आई हसनैन, रोनी तालुकदार हैं एंड इस्लाम हैं, एन हसन, रुबल हसन एंड आर हसनैन। तो ये दोनों ये टीम हो गई फ्रेंड्स। आगे यूजर्स की टीम की बात करें तो संजू जी की टीम की बात करें तो तमिम इकबाल कैप्टन, वाइस कैप्टन इनामुल हक, तो दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन फ्रेंड्स, दोनों ही ओपनर्स फ्रॉम पीबीकेएस पीबीसीसी की तरफ से। वहीं और भी टीम देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अमित राठौड़ जी की टीम की बात करें तो एम एच मिराज है कैप्टन, वाइस कैप्टन अनामुल हक है, जफीफुल इस्लाम, तमीम इकबाल, आई हसनैन, एच रहमान, एन इस्लाम, एम खान, एन हसनैन, आर हसनैन एंड रुबल हसनैन। तो ये कुछ टीम्स हैं जिनके आप थोड़ा लुकआउट कर सकते हैं। चलिए चलता हूँ मैं अपनी टीम की ओर। तो फ्रेंड्स मेरी टीम की बात करें तो सबसे पहले कीपर्स में तो तीन आपके पास ऑप्शन है और तीनों काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ तीनों के साथ चल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, पर मैं तो तीनों को पिक करना चाहता हूँ कि तीनों आर फैबुलस प्लेयर्स। तो अगर मैं तीनों को अभी पिक कर लेता हूँ फिर बाद में देखता हूँ कि अगर जगह बनती है तो देन नाइस एंड गुड, पर अगर नहीं बनती तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद इट। बैट्समैन की बात हो तो तमिम इकबाल है हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन, इम्तियाज़ हसनैन है, शहीदुर रहमान है, रोनी तालुकदार हैं, फहद हसनैन है, इनके साथ हम जा सकते हैं आप कॉम्बिनेशन में। तो तमिम इकबाल को मैं अभी पिक कर लेता हूँ, दो हमारे पास और ऑप्शंस रहेंगे तो हम बाद में ऐड करके देखेंगे। ऑलराउंडर्स की बात हो तो एन इस्लाम, मेहंदी हसन मिराज, मासूम खान, इन सभी प्लेयर्स के साथ आप जा सकते हैं। वहीं आलोक कपाली भी हैं,
एंड खालिद अहमद के। अगर खालिद अहमद एंड मेहंदी हसन मेराज के साथ जाते हैं देन इट्स गुड। बुलुस की बात हो तो रुबल हुसनैन रहेंगे मेरी टीम में, रशीद हसनैन भी रख सकते हैं और नईम हसनैन को भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी फिर टीपू सुल्तान के नामक भी प्लेयर है आपके पास है, शरीफुल इस्लाम भी है, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो अगर आप इसके साथ जाते हैं तो फिर 19 क्रेडिट है, देन यू कैन गो विथ एनी ऑफ देम लाइक रानू तरलकदार एंड इम्तियाज हसनैन। तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छी टीम लग रही है, जैसे मैंने कहा था कि अगर तीनों कीपर ले लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अब ठीक दिख रही है टीम। देखिए फ्रेंड्स तीनों टॉप क्रेडिट कीपर है हमारे पास, तीन बैट्समैन है, तीन दो ऑलराउंडर्स हैं, तीन बोलर्स भी है, तो काफ़ी अच्छी लग रही टीम। ये देखिए अनामुल्लाह के जे इस्लाम, मोहम्मद मिल्तुन, तमिम इकबाल। तो अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात हो तो थोड़ा सेफ जाइए फ्रेंड्स, कैप्टन मैं तमिम इकबाल को बना देता हूँ, वाइस कैप्टन मैं बना दे रहा हूँ मेहंदी हसन मिराज को, या फिर आप जफरुल इस्लाम के साथ भी जा सकते हैं। तो मैं देखता हूँ, कैप्टन तो फिक्स रहेंगे तमिम इकबाल, ग्रेट प्लेयर, और वहीं